नमस्कार। आज हम जियो बोर्ड के बारे में जानेंगे। जियो बोर्ड, जैसा कि मेरे हाथ में आप यह देख रहे हैं, यह एक जियो बोर्ड है। इसमें बराबर दूरी पर पुश पिंस को लगाया गया है और रंग बिरंगी पुश पिंस का प्रयोग किया गया है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट इसमें बना रहे। और इन पुश पिंस के द्वारा हम एक रबड़ की मदद से विभिन्न आकृतियों को बनाकर सीख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरफ को 4 और इस तरफ को 6 पिंस लेकर मैंने यह एक सम त्रिभुज बनाया है। इसी प्रकार से यदि इसे और आगे बना जोड़ देंगे तो यह एक त्रिभुज बन गया। इसी एक जियो बोर्ड में इसी रबड़ की मदद से हम चतुर्भुज के भी सभी प्रकार देख सकते हैं। यह हमने 3x3 ग्रिड का एक चतुर्भुज बना दिया है और यदि इस रबड़ को आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो यह हमारे पास एक आयत बन गया है। और यदि इसी त्रिभुज को हम इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो यह एक समलंब चतुर्भुज बन गया है। इसी प्रकार से यदि हम इस प्रकार से इस रबड़ को जोड़ते हैं तो यह एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। इसी प्रकार से इसी रबड़ की मदद से हमने यह एक अष्टभुज बनाया है।